को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। कितने होमगार्डों की ड्यूटी लगी है और कितने गैर हाजिर है यह जानकारी थानेदारों को सॉफ्टवेयर पर अपडेट करनी होगी। सॉफ्टवेयर में गैर हाजिर पर क्लिक होते ही होमगार्डों के मोबाइल पर इसका मैसेज पहुंच जाएगा। अगर होमगार्ड ड्यूटी पर है और सॉफ्टवेयर ने गैर हाजिर कर दिया तो इसे दुरुस्त कराने के लिए उसे समय दिया जाएगा। होमगार्डों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक आधार या लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस का विकल्प दिया जाएगा। थानेदार अपनी यूजर आईडी से अपने क्षेत्र की ड्यूटी ही चेक कर सकते हैं, जबकि एसएसपी स्तर पर दी जाने वाली यूजर आईडी और पासवर्ड से जिले भर का डाटा देखा जा सकता है। महीने के अंत में थानाध्यक्ष और की ओर से फिट डाटा से होमगार्डों का मानदेय मिलेगा। ठीक, ये जो लागू होगा फिट डाटा यहाँ पे महीने के अंत में इस हिसाब से चालू हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे मस्टर रोल, बायोमेट्रिक हाजिर लगाने की भी तैयारी। एक मस्टर रोल पर एक ही थाने की दो अलग मोहरें, एक जो मस्टर रोल बनेगा उस पर एक थाने की दो मोहरें लगेंगी। ठीक, गोमती नगर और गंडवा थाने के जुलाई अगस्त 2018 और जुलाई अगस्त 2019 की पड़ताल में पाया गया ड्यूटी घोटाले में शामिल जालसाजों ने फर्जी मस्टर रोल में एक ही थाने के दो अलग अलग मोहर लगाई। मसलन अगस्त 2019 के मस्टर रोल पर थानाध्यक्ष गोमती नगर और प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर की मोहर का प्रयोग किया गया, जबकि थाने पर इसकी मोहर का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह जुलाई 2018 के मस्टर रोल पर थाने की गोल पर मोहर का प्रयोग किया गया, जो कि थाने की मोहर से मेल नहीं खा रही है। आमद और रवानगी के भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। गोमती नगर थाने के जिस मुंशी का नाम मस्टर रोल पर अंकित है उस नाम से कोई मुंशी वहाँ कभी तैनात ही नहीं रहा। देखिए बड़ी बात निकल कर आ रही है, जो मस्टर रोल था वो जो मेन निकल के आ रहा था उसको तो लोग फाड़ दे रहे थे, ठीक, और अपने मन से वहाँ पर लगा दे रहे थे। ये जो न्यूज़ है देखिए अब ये जब ऑनलाइन हो जाएगा तो इसकी झंझट खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।